हेलो फ्रेंड्स, रंजीतास किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ सेजवान चटनी की रेसिपी, जिसे आज हम घर पर बहुत ही आसानी से बनाएंगे और इसे हम पिज्जा में, बर्गर में या फिर ऐसे खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले 15 से 20 सूखी लाल मिर्च को 5 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे उबलने देंगे। फिर हम 2-3 लहसुन और थोड़ी सी अदरक को बारीक दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। यह देखिए, मिर्ची को बस इतना सॉफ्ट कर लेना है। फिर इसे हम निकाल कर मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट को, जिसे मैंने दरदरा मिक्सी में पीसा है, और इसे 2 मिनट के लिए चला लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे मिर्ची, इसे भी हम दरदरा ही पीसेंगे, बारीक नहीं करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से चलाते हुए इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें। इसी तरह से चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच सोया सॉस, और 2 चम्मच टोमेटो केचप। मिला लेते हैं इन सबको। बस लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर चलाएंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है यह, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे एक बार जरूर बनाइए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। बाजार से भी अच्छी चटनी बनती है। देखिए, अब यह बनकर बिल्कुल तैयार है। बस इसी तरह से इसे बना लेना है। गैस को अब हम ऑफ कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी सेजवान चटनी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार जरूर बनाइए। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।